नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं एक्सेस भारत न्यूज। चलिए रुक करते हैं इस खास खबर की ओर। जिला कलेक्टर डीक के निर्देशन में आज उपखंड क्षेत्र डीक में संचालित राजकीय कार्यालय के औचक निरीक्षण के लिए उपखंड अधिकारी डीक रवि कुमार गोयल, तहसीलदार डीक जुगिता मीणा एवं नायब तहसीलदार खो पुष्कर चौधरी के नेतृत्व में तीन दलों का गठन कर राजकीय कार्यालय का औचक निरीक्षण करवाया गया, जिसमें उपखंड अधिकारी डीक रवि कुमार गोयल द्वारा कार्यालय नगर परिषद डीक, आबकारी निरीक्षक कार्यालय मुख्य ब्लॉक, शिक्षा अधिकारी कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, CDPO कार्यालय, खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डीक का निरीक्षण किया गया। स्वास्थ्य केंद्र के निरीक्षण के दौरान उपखंड अधिकारी द्वारा नर्सिंग कर्मियों को निर्धारित ड्रेस कोड में आने हेतु निर्देशित किया गया। CSC के निरीक्षण के दौरान OPD दवा वितरण काउंटर, एक्सरे कक्ष, पंजीकरण खिड़की का निरीक्षण किए जाने पर संतोषजनक स्थिति पाई गई। जुगिता मीणा तहसीलदार द्वारा JVVNL एवं जल स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग का और पंचायत समिति कार्यालय डीक का निरीक्षण किया गया। नायब तहसीलदार खो पुष्कर चौधरी द्वारा सार्वजनिक निर्माण एवं विभाग एवं सेल टैक्स विभाग का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान विभिन्न कार्यालयों में अधिकारी कर्मचारी नदारद रहे हैं। जिले में गुड गवर्नेंस की स्थापना के लिए अपेक्षा की जाती है कि सभी राजकीय अधिकारी और कार्मिक समय से उपस्थित हों और अनुशासन की पालना करें। इसी दिशा में आज तीन टीमों का गठन किया जाकर सभी राजकीय कार्यालयों का निरीक्षण किया गया। कुछ कार्मिक अनुपस्थित मिले, कुछ अधिकारी भी अनुपस्थित थे, इसलिए नोटिस दिया जाकर कारण बताओ पूछा जाएगा। यदि कोई भी विशेष कारण उनकी अनुपस्थिति का ना मिला तो अनुशासनात्मक कार्यवाही भी अमल में लाई जाएगी। मैं अपेक्षा करती हूं कि भविष्य में सभी राजकीय अधिकारी और कार्मिक अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी आस्था से करेंगे। धन्यवाद। क्या आप भी जानना चाहते हैं आपके आसपास की छोटी और बड़ी खबरों को? क्या आप भी जानना चाहते हैं देश विदेश से जुड़ी हर एक खबर को? क्या आप भी जानना चाहते हैं स्पोर्ट्स से जुड़े हर एक अपडेट्स को? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि आपका राशिफल क्या कहता है? जी हाँ, एक्सेस भारत लेकर आता है आपके लिए तमाम मुद्दों को। बिना देरी के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको तुरंत मिल सके। जी हाँ, बिल्कुल तुरंत।